अभी ताजा घटनाक्रम तो आप सब लोगों के ध्यान में है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के कहते रही कि जो झारखंड में जो सरकार है भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है सरकार। और अगर हम ये कहें कि भाई हमने बार बार इस बात को उल्लेख भी करते रहा कि झारखंड में जो सरकार बिचौलिया या दलाल यही लोग चला रहे हैं, और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था भी इस प्रदेश में जो बिगड़ा है तो हम उसके बारे में भी हम कहते रहे हैं, आप सबको ध्यान में आए, खाली संस्मरण एक बार स्मरण कराते हैं कि सरकार लगता है कि भाई अपराधियों से घिरे हुए हैं या अपराधियों से डरे हुए हैं। तो डरे हुए तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के लोग खुद भी कहते हैं कि हिम्मत है तो हिम्मत है, लेकिन घिरे हुए हैं ये बिल्कुल अस्पष्ट। और इस कारण से इस प्रदेश में एक जहां भ्रष्टाचार है वहीं कानून व्यवस्था भी लगातार जिसको कहते हैं कि डिटोरिएट किया है। भ्रष्टाचार की ये आलम है, यानी इस राज्य की जितनी भी खनिज संपदा है चाहे बालू हो चाहे पत्थर हो चाहे कोयला हो या आयरन ओर हो, यानी जिस भी प्रकार की जो खनिज लीगल तो नहीं बल्कि इलीगल तरीके से खूब ये 30-32 महीनों तक की लूट मची हुई, और समय समय पर पार्टी ने सरकार को आगाह करते रही, और मैंने तो खुद सरकार को पत्र भी हम लिखते रहे हैं कि कहां किस प्रकार से गड़बड़ी हो रही है। लेकिन यहां तो सरकार लगता ही नहीं है कि कोई हेमंत सोरेन की सरकार है, सरकार तो विशुद्ध रूप से कह सकते हैं दलाल और बिचौलिया लोग चला रहे हैं। और पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में है किस प्रकार से ईडी ने जब यहां जांच की तो पहले तो उनके सचिव के ठिकानों से जो करोड़ों रुपया मिले आज वो जेल में, फिर उनके विधायक प्रतिनिधि भी जेल में है, तो ये बिल्कुल किसी से छुपा हुआ नहीं, ये तो उनके विधायक प्रतिनिधि या सचिव। लेकिन कल जिसकी गिरफ्तारी हुई है अमित अग्रवाल, तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तो उनके बारे में बताने चाहिए कि भाई ये क्या थे, जो जानकारी मिल रही है अफसरों की दरवाजा अफसरों की दरबारी उनके घर पर लगता और ट्रांसफर पोस्टिंग की पैसे वसूली का पूरा जिसको बोलते हैं क्या उसको कहते हैं, मतलब वही सब काम करते थे। अगर इतनी अफसर उनसे लोग मिलते थे या उनसे लोग बात करते थे तो मुख्यमंत्री को तो बतानी चाहिए उसके बारे में कि उनसे क्या संबंध था या सरकार में उनकी कौन सा ओहदा वो होल्ड करते थे, ताकि उनके तब तो उनके ऑफिस घर पर जाओ जहां उन्होंने डेरा ले रखे थे, या यहां तक जानकारी मिलती है कि कांके रोड में शायद सीएम आवास में भी वो ठहरते थे। भाई कोई ना कोई उनके साथ रिलेशन तो होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को ये तो बतानी चाहिए, राज्य की जनता ये जानना चाहेगी, या फिर इतना बड़ा कोई व्यक्ति गड़बड़ घोटाला करे सरकार को एक प्रकार से संचालित करे और उनके यहां बड़े बड़े अफसर जाकर के दरबारी करे, तो इसका मतलब यह होता है कि
उन लोगों के साथ यानी मुख्यमंत्री के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे होंगे, तो उनका क्या संबंध है ये तो मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए। और हम तो जरूर चाहेंगे कि ईडी को भी कि भाई उनके सारे मोबाइल की डिटेल्स निकालनी चाहिए कि उनसे कौन कौन ऑफिसर, चाहे पुलिस हो चाहे आईएएस हो या आईपीएस ऑफिसर, उनके साथ रेगुलर टच में थे। और फिर उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि फिर उनके साथ जो रेगुलर जो टच में थे उसके साथ उन सारे लोगों का क्या संबंध रहा हो, तभी इस करप्शन पर, इस भ्रष्टाचार पर इस राज्य की जनता को मुक्ति मिल सकती है। और नहीं तो ये मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से यहां अफसरों को टूल्स की तरह यूज किया गया, अफसर भी टूल्स की तरह यूज हुए और सिर्फ वसूली में लोग लगे। और इसलिए आप देखते होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर इतनी बिगड़ी है कि आए दिन चोरी डकैती हत्या ये सब तो होता ही है, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, किस प्रकार से लोगों को जला दिए जाते हैं। और इसलिए हम तो कहेंगे कि भाई इस प्रदेश में इन सारे अफसरों के ऊपर एक जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और जब तक इन लोगों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होगी तो क्राइम ऐसे ही होते रहेगा, बढ़ते रहेगी। तो आज इस राज्य की यही हालत बन गई। और इसलिए हमने लगा कि क्योंकि तो जैसा मैंने कहा कि पंकज के बारे में लोगों को पता था कि वो विधायक प्रतिनिधि है, पूजा सिंघल के बारे में पता था कि वो सचिव हैं, तो समझ में आता है। लेकिन प्रेम प्रकाश क्या संबंध था, क्या थे वो मुख्यमंत्री के साथ, अमित अग्रवाल का क्या संबंध था, क्या थे मुख्यमंत्री के साथ, और इन सारे लोगों की पूरा टेलीफोन डिटेल्स को निकाल करके किन किन अफसरों से किस प्रकार से दैनिक इन लोगों की बातचीत होती थी, क्या बात होती थी, क्यों बात करते थे, इन लोगों से क्या संबंध रहा है किस प्रकार से, जब तक यहां तक की तहकीकात नहीं होगी तो हमें नहीं लगता है कि इस राज्य में ना कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है, न इस राज्य में करप्शन समाप्त हो सकता है। तो अगर ये दोनों को ठीक करना है तो फिर हेमंत सोरेन को यह स्पष्ट करनी चाहिए। अरे मैंने तो शुरू में भी कहा था, पहले भी मैंने कहा था कि आप तो जिन लोग बोलते हैं ना क्या कहते हैं अति हो चुका भाई, राज्य के मुख्यमंत्री के पास थोड़ी सी भी नैतिकता तो खुल करके सामने आके बताना चाहिए कि भाई उनसे संबंध है तो वो बताना चाहिए, नहीं संबंध है तो बताना चाहिए नहीं संबंध है, राज्य की जनता जानेगी समझेगी। लेकिन राज्य को इस प्रकार से बिचौलिया और दलाल के हवाले कर देना, उसके लिए राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन को जनादेश नहीं दिया था। और इसलिए हम कहेंगे अगर वो नहीं बता रहे तो भाई ऐसी सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को या तो त्यागपत्र देनी चाहिए या फिर बर्खास्त कर देनी चाहिए। तो आज हमें लगा कि आप सबके समक्ष कोई बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं था, इसी को आपसे एक बार साझा करने के लिए मैं सिर्फ आज उपस्थित हुआ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।